नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरों की। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले के मद्देनजर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू देश के तमाम गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों तथा प्रशासकों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 9 बजे देशवासियों के लिए एक वीडियो संदेश जारी करेंगे, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है। आज महिला जनधन योजना के तहत लाभार्थियों के अकाउंट में पहला किस्त 500 रुपए का भेज दिया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बाद गरीब वर्ग के महिलाओं के खाते में 3 महीने तक 500-500 रुपए देने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान फसलों की कटाई के लिए हार्वेस्टिंग मशीन के आवागमन की छूट दे दी है। इसको लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसानों को फसल कटाई की इजाजत दे दी है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना से निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से 1,00,000 करोड़ रुपए की तत्काल मदद का अनुरोध किया है। इसके अलावा उन्होंने आवश्यक वस्तुओं, दवाओं, चिकित्सा सामानों की निर्बाध आपूर्ति करने के लिए इंटर स्टेट सप्लाई चेन प्रोटोकॉल लागू करने का आग्रह भी किया। त्रिपुरा में 14 एकड़ जमीन में एक भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जहां यह दुनिया का पहला ऐसा मंदिर होगा जिसमें सारे 51 शक्ति पीठों की प्रतिकृति होगी। और यह मंदिर त्रिपुरा के प्रसिद्ध शक्ति पीठ त्रिपुर सुंदरी मंदिर के पास होगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में डॉक्टरों के साथ हुए बर्ताव पर मशहूर शायर राहत इंदौरी काफी दुखी हैं। उन्होंने कहा है कि इस खबर के सामने आने के बाद देश के सामने उनका सिर शर्म से झुक गया। निपर जी 2020 परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 15 मई 2020 तक चलेगी, जिसके लिए योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट niperahm.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर कोरोना ट्रैकिंग ऐप आरोग्य सेतु को लॉन्च कर दिया है। लॉकडाउन की वजह से देश की आबो हवा में बदलाव आ रही है, जहां पूरे भारत के बड़े शहरों में प्रदूषण में कमी आई है। इतना ही नहीं, पावन गंगा नदी का जल भी फिर से निर्मल होने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना से निपटने के लिए भारत के प्रयासों की घरेलू और विश्व स्तर पर प्रशंसा हो रही है, फिर भी कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। इसके आगे शाह ने कहा कि यह राष्ट्रहित के बारे में सोचने का समय है, लोगों को भटकाने का नहीं। कोरोना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरे देश का साझा लक्ष्य है कि इससे कम से कम न्यूनतम नुकसान हो। उन्होंने आगे कहा है कि कुछ हफ्तों में सभी का ध्यान कोरोना से जुड़ी जांचों का पता लगाने और उन्हें अलग थलग रखने पर केंद्रित रहना चाहिए। देश के आर्थिक हालत को लेकर कांग्रेसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में यह मांग की गई है कि सरकार अर्थशास्त्रियों के कार्यबल का गठन कर देश के मौजूदा आर्थिक संकट को उबारे। कोरोना के मद्देनजर देश भर में लॉकडाउन नियमों की अनदेखी को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है, जिसको लेकर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर लॉकडाउन का अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के अब तक 121 मामले सामने आ चुके हैं, जिसकी जानकारी प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने देते हुए कहा कि दिल्ली के तबलीगी जमात कार्यक्रम में भाग लेने वाले 429 लोगों के नमूने को भी जांच के लिए भेज दिया गया है। सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने गुरुवार को करीब 200 कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट को अस्थायी रूप से खत्म कर दिया है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि इस लिस्ट में वही कर्मचारी हैं जिन्हें रिटायरमेंट के बाद दोबारा मौका दिया गया था। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने बताया है कि सरकार ने 9,000 तबलीगी जमात के लोगों से संपर्क कर उनकी पहचान कर ली है और उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि इन 9,000 में से 1,306 विदेशी नागरिक हैं। आंध्र प्रदेश सरकार राज्य के शेल्टर होम में रह रहे प्रवासियों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करवा रहा है और उनका पूरा ध्यान रख रहा है। गूगल जल्द ही अपने नेवरली ऐप को डिसकंटिन्यू करने वाला है। इस ऐप को लोकल हेल्प के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन यूजर के बीच लोकप्रिय नहीं होने की वजह से कंपनी अब इस ऐप को बंद करेगी।
हिमाचल प्रदेश में आज सभी बैंकों की शाखाओं का खुला रहना अनिवार्य कर दिया गया है, जहां सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बैंकों में कामकाज होगा और जरूरत पड़ने पर अधिकारी शाम 4 बजे तक भी काम कर सकते हैं। कोरोना और लॉकडाउन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ऑटो, टैक्सी, आरटीवी और ई रिक्शा चालकों को 5,000 रुपए देने की घोषणा की है। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रमन मित्तल बता रहे हैं कि पंजाब में बांटे जा रहे सैनिटाइजर और राशन के पैकेटों पर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की तस्वीर छपवाकर बांटा जा रहा है। वहीं हरियाणा में सैनिटाइजर की बोतलों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तस्वीर छपी है, जिसको लेकर दोनों ही राज्यों के विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। पटना से हमारे संवाददाता राजेश कुमार बता रहे हैं कि पटना हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एडवाइजरी बोर्ड की कार्यवाही होने जा रही है, जिसे एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष चीफ जस्टिस दिनेश कुमार सिंह आज दोपहर 2:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 2 मामलों की सुनवाई करेंगे। यूपी के महुआ से हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार बता रहे हैं कि जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी के कुशल निर्देशन में जनपद में कोरोना के दृष्टिगत बाहर से आए लोगों को क्वारंटीन में रखने हेतु संचालित किए गए अस्थायी आश्रय स्थलों में सामुदायिक किचन के माध्यम से भोजन की व्यवस्था की गई है। यूपी के पीलीभीत से हमारे संवाददाता सरफराज खान बता रहे हैं कि कोरोना से इलाके को बचाने के लिए धार्मिक स्थलों पर स्प्रे करवाया जा रहा है और कोरोना की महिला रोगी को आइसोलेट किया गया है। इस संबंध में डॉक्टर छतपाल का कहना है कि उनका स्टाफ कोरोना से जंग जीत कर ही दम लेगा। हिमाचल प्रदेश के सोलन से हमारे संवाददाता महेंद्र वर्मा बता रहे हैं कि सोलन जिला के उपायुक्त केसी चमन आज से घर घर जाकर जन जन को कोरोना के लक्षणों की जानकारी देंगे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता एसपी सुखवाल बता रहे हैं कि डीआरडीओ हाल ही में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में सब्जी मंडी व्यापार संघ को बुलाया गया और उनसे बाजार की जानकारी ली। यूपी के महुआ से हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार बता रहे हैं कि कोरोना को लेकर प्रयागराज अपर पुलिस महानिदेशक ने स्वेच्छानुसार मुख्यमंत्री सहायता कोष में एक दिन का वेतन प्रदान करने की घोषणा की है और प्रदेश के सभी पुलिस वालों से भी स्वेच्छा आर्थिक सहयोग की अपील की है। यूपी के पीलीभीत से हमारे संवाददाता अवध किशोर सक्सेना बता रहे हैं कि शाहजहांपुर से वापस उत्तराखंड अल्मोड़ा अपने घर के लिए जा रहे सभी दिहाड़ी मजदूरों को थाना पर खाना खिलाया गया। इस दौरान इन लोगों का सीएससी बरखेरा में चेकअप भी करवाया गया और जनता इंटर कॉलेज में ठहरने की व्यवस्था की गई। तो ये थी सुबह की ताजा तरीन खबरें और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप मोबाइल न्यूज 24 को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।